मोदी की नई सरकार बनते ही हो गया बड़ा खेला। ममता के टीएमसी का बीजेपी सांसदों पर दावा, क्या मोदी का साथ छोड़ेंगे बीजेपी सांसद? पलटेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? राजनीति में पार्टी बदलने की परंपरा कोई नई नहीं है। जाहिर है ये लाइन उन नेताओं की सोच को दर्शाती है, क्योंकि अपनी पार्टी में जब वैल्यू शून्य होने लगे या फिर पद का लाभ से दूर रख दिया जाए तो एक ही रास्ता रह जाता है, वो है पलटी मारने का। अब तेजस्वी के चाचा नीतीश भले ही पलटू चाचा कहलाते हों, लेकिन इतिहास में झांकें तो पलटूबाज नेताओं की कमी कहां है। इसी पलटीबाजी का खेल का ताजा उदाहरण ममता दीदी के राज्य वेस्ट बंगाल में सामने आने वाली है। हो सकता है मोदी के तीन साथी उनका साथ छोड़ दें, पलटकर टीएमसी का दामन थाम लें। ऐसा हम अपने मन से नहीं कह रहे, ऐसा तो टीएमसी ने दावा ठोका है। टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने जो दावा ठोका है वो बीजेपी की नींद जरूर हराम करने वाली है, क्योंकि टीएमसी सांसद ने दावा किया है कि बीजेपी के तीन सांसद उनकी पार्टी के संपर्क में है। साथ ही दावा ये भी है कि अब बीजेपी की टोटल संख्या 240 से घटकर 237 ही रह जाएगी। जाहिर है ऐसा दावा सुनकर बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई होंगी, क्योंकि एक तो ऐसे ही उनको लोकसभा चुनाव में 63 सीटों का नुकसान हो चुका है। अब तीन सांसदों का पार्टी छोड़ देने के बाद न केवल उनकी पार्टी की संख्या में कमी आएगी, बल्कि बहुमत के आंकड़ों पर भी काफी बल पड़ेगा। ये अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस बार बीजेपी की हालत बेहद खराब है। ऐसे में अगर टीएमसी के दावे के मुताबिक तीन सांसद भी पाला बदल लेते हैं तो मुश्किल में पड़ने में जरा भी देरी नहीं होगी। टीएमसी सांसद गोखले ने एक्स पर बड़े ही शानदार तरीके से अपनी बात को समझाया भी है, आंकड़ेबाजी दिखाई है। इधर टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने बयान क्या दिया, बीजेपी के अंदर खाने में हलचल भले ही तेज हो चुकी हो, लेकिन सामने से बंगाल बीजेपी ने खुद को प्रोटेक्ट करना और बीजेपी के दूसरे नेताओं को संदेश देने की कोशिश में जरूर लग गई है, क्योंकि बंगाल बीजेपी ने ये दावा कर दिया है कि टीएमसी के ये दावे पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर ये कहने की कोशिश की गई है कि बंगाल बीजेपी इकाई में किसी भी तरह की फूट नहीं है, वो पूरी तरह एकजुट हैं। हालांकि इस लोकसभा चुनाव में टीएमसी और बीजेपी की सीटों की बात करें तो बीजेपी की संख्या 2019 से घट गई है, ये संख्या 21 से घटकर 18 पर आ गई है। वहीं टीएमसी की संख्या अब 29 है। ऐसे में टीएमसी सांसद साकेत गोखले के बयान के मुताबिक अगर खेला हो जाता है तो बीजेपी 15 पर ही रह जाएगी और टीएमसी की संख्या 29 से बढ़कर 32 हो जाएगी। साथ ही इंडिया गठबंधन की सीटों में भी बढ़ोतरी और एनडीए की सीटों में कमी आएगी, जो कि एनडीए के लिए बेहद चिंताजनक बात है। इस खबर में बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।